जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। श्राद्ध के ऊपर कई सारा वीडियो है, पर एक बहुत अत्यावश्यक बात जो मुझे लगा कि सबसे चर्चा करनी चाहिए कि कई भाई बहन अपने पिताजी के अथवा माताजी के श्राद्ध के दिन उनके तस्वीर को साफ करते हैं, माला जप पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, रखते हैं, जो कि करना बहुत ही उत्तम है। उसके बाद में जब भोजन बन जाता है तो भोग की थाली ले जा करके उनके सामने रख देते हैं और बाद में वो थाली उठा करके ले जाते हैं मंदिरों में, ब्राह्मणों को दे आते हैं अथवा घर में ब्राह्मण आते हैं तो कई बार वो थाली उठा करके उनको जीवने के लिए दे देते हैं, जो बहुत ही गलत, बहुत ही अनुचित है। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ और आप लोग जानते भी होंगे कि महाराजा हरिचंद जी ने स्वप्न में दान किया था, तो जब नींद खुली तो पूरी नगरी जय जय श्री राम दे दिए। तो सबसे बड़ी बात होती है वाग्दान अथवा हृदय में मनन करना की चीज हम दे रहे हैं। तो जहां तक बात आप सभी जानते हैं कि जब भोजन बनता है और विशेष करके श्राद्ध का भोजन, तो पवित्रता पूर्वक सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। अगर श्राद्ध कर्म हो रहा है तो जो है पिंड इत्यार पर अर्पण किया जाता है। इसके बाद में पंच बलि होती है, गौ माता के लिए ग्रास निकाला जाता है, विशेष करके कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, पिपलिकाज के लिए, अन्य जीव जंतुओं के भावना से कौन भोजन, मतलब पवित्र भोजन जो जूठा नहीं हुआ है वहां से लेकर के कुत्ते तक के लिए निकाला जाता है। तो जब आपने अपने पितरों को वो थाली अर्पण कर दिया, फिर वही थाली अपने पिताजी का जूठा ले जाके आप ब्राह्मण को देंगे तो महापाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो इसमें करना क्या चाहिए हमें, जो पिताजी के लिए थाली रखते हैं, हालांकि ये भावना की बात है, रखने में कोई हर्जा नहीं है। उत्तम तो ये होगा कि जो भी पदार्थ घर में बना हुआ है वो भगवान को भोग लगाया जाए, भोग लगाने के बाद में वो थाली अपने पितरों के आगे, फोटो के आगे रख दीजिए, उसके बाद में उस थाली का प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पितरों के निमित्त, पिताजी के निमित्त जो थाली निकाला है वो पूरी या प्रसाद ले जाकर के हम गौ माता को खिला दें, वो दोष लगेगा। सूर्य है, गौ माता है, गंगा नदियां हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थाली निकालना बुरा नहीं है, बहुत ही उत्तम है, लेकिन वो थाली जो है स्वयं ग्रहण करना है परिवार वालों को, ना कि वो पंडित जी को खिला दें। हर चीज की एक विधि, हर चीज का एक विधान होता है। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, पर उसको समझ करके रखें तो हमें पूरा का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। एक बात और, कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी को ये पसंद था, हमारे पिताजी को वो पसंद था, तो जय जय सियाराम, उनकी पसंद है और शास्त्रों में निषेध नहीं है उस चीज का, तो आप अवश्य प्रयोग कीजिए, पर उस चीज का शास्त्रों में निषेध है तो विशेष करके श्राद्ध में प्रयोग मत कीजिए। क्या क्या अन्न, क्या क्या सब्जियां हमें बनानी चाहिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है श्राद्ध में तो इस लिंक को टच करके देख लीजिएगा, उन्हीं सामग्रियों को बनाइएगा। एक आम रूप से आप देख सकते हैं, एक मरीज है तो वो हॉस्पिटल में जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार उसको भोजन करना चाहिए, अथवा एक सैनिक है तो जो सेना का नियम है उसके अनुसार, अथवा एक ब्रह्मचारी है तो जहां उस आश्रम में है उसके अनुसार उसको आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार से पितृपक्ष है तो जो शास्त्रों में बताया गया नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे, तभी हमें पूरा का पूरा लाभ होगा, हमारा परिश्रम सार्थक होगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले।